करोगे? इन्हें तो देख टिकाने ही कोई नहीं, इन्हें तो देख टिकाने ही कोई नहीं। एक आज तक इन्हें पता लगे कि इन्हें तो डेरा कितने में, और इन्हें तो आलम है वे मैरिज वाला कलेक्शन और गोदरी पे इन्हें पिंडा च पाला बंदा कोई नहीं। आप सब लोगों का बहुत ही मशहूर और ममनून है कि आपने अपना कीमती टाइम निकालकर यहाँ तशरीफ लाए और मुझे इज्जत बख्शी। मैं ये आपकी मोहब्बत जिस वालहाना अंदाज में आपने इस्तकबाल किया, मैं ये हमेशा याद रखूंगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझे अगर कामयाबी दी तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आपकी खिदमत करूंगा जैसे मैंने पहले भी की थी। मुझे आपने ये दोबारा मौका देंगे, मैं 2013 से लेकर 18 तक भी आपकी अदालत में आया था, आपने मेरा बड़ा मान रखा था और मुझे कामयाब करवा के आपने मुझे 5 साल खिदमत करने का मौका दिया और वो मेरे हल्के की आवाम गवाह है। जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे कि मैंने कभी किसी से, कोई ये बंदा नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी से कोई जाती की हो या मैंने कोई किसी से पकड़ी, किसी की उछाली हो या थाने कचहरी में कोई पर्चा कराया हो। मेरा ये शेवा ही नहीं है, हमें ये तरबियत ही नहीं दी गई। हम शराफत की सियासत करते हैं और इसी में समझते हैं कि इबादत है और इससे पहले इबादत भी कोई नहीं। बाकी आप सब लोग बखूबी वाकफ हैं कि हम इलेक्शन के सिलसिले में आए हैं, इलेक्शन जिस हालात में हो रहा है ये हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे इलेक्शन लड़ेंगे कि ऐसे हालात होंगे। मेरा भाई का खुश अख्तर सुबहानी साहब के इस दुनिया भानी से चले थे ना, और उसके बाद उनका नया जिंदगी का सफर शुरू हो गया तो ये इलेक्शन आ गया। लेकिन मुझे आपकी मोहब्बत, आपका प्यार वो हमारे साथ है, उसी जज्बे के साथ आप लोगों की अदालत में आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप भरपूर तरीके से जैसे पहले मोहब्बत से नवाजते हैं इस तरह भी नवाजेंगे और हमें कामयाब करवाएंगे। मैं अगर अपने मुखालफिन के बारे में जो बातें करूँ वो मुझे जेब नहीं देती ना ही मैं करूँगा, क्योंकि आप लोगों से कोई लुकी छुपी नहीं है। मेरे भाई शहराज ने, अफजल भाई ने भी, रफीक साहब ने भी सबकी बातें की हैं तो वो आप लोगों को सब चीज़ों का इल्म है। अगर हम लोग महंगाई की चक्की में फंस रहे हैं तो वो भी हमें पता है कि हमें सिलेक्टेड वजीर आजम साहब जो बने बन के बैठे हुए हैं इनके नाकाम कारकर्दगी जो है वो जीरो है, जिसकी वजह से हम इस चक्की में फंस रहे हैं। वरना 2018 तक हमारा मुल्क लीडरशिप मियां नवाज शरीफ के अंडर अल्लाह के फजल करम से तरक्की की तरफ गामजन था और खुशहाली थी। चीज़ें भी हमारे बजट, हमारे अपने जो घर का एक घरेलू बजट होता है उसके अंदर सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से गुजारा हो सकता था। अब जो बंदा कमा रहे हैं
20-30 हजार रुपया वो बंदा घर के बच्चों को रोटी देगा या बिजली का बिल देगा। बिजली का बिल उसको लड़ा के रख देता है तो उस बेचारे को समझ नहीं आती कि मैं बच्चों को महीना खाना कैसे खिलाऊंगा। पढ़ाई तो बड़ी दूर की बात है, माँ बाप बीमार हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी दवाइयों को तो वो सोच भी नहीं सकता। फिर उसको कर्ज लेना पड़ता है, मांगने पड़ते हैं आगे पीछे से। लेकिन ये सब चीजें आप लोग सारे इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, आप उस चक्की में पिस रहे हैं, मैं भी और हर भी सारा पाकिस्तानी वहां भाई करोड़। अब आपने ये जो इन्होंने कैंडिडेट हमारे मुकाबले पे लेके आए हैं, ये पिछली दफा 2018 के इलेक्शन में, 13 के इलेक्शन में कोई और कैंडिडेट था, 18 के इलेक्शन में कोई और कैंडिडेट था। इनका जो टिकट देने का जो मैार है वो देखना, जो पैसों की जो बोली है वो बड़ी किसकी है। मैं बात कर रहा था कि जो इन्होंने टिकट दी, वो टिकट का मियार सिर्फ ये था कि जिस बंदे के पास पैसे ज्यादा हैं उसको टिकट देंगे। तो क्या पैसों से टिकट बिकती हैं? पैसों से वोट खरीदने का इनको रवायत इनकी लीडरशिप ने दिया है। अगर उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है टिकट लेने में तो वो आगे भी पैसा लगा रहे हैं, तो इनसे आप क्या तवक्कु करेंगे कि ये जीतकर आपकी खिदमत करेंगे? ये तो अपना पैसा पूरा करेंगे जो उन्होंने लगाना है, ये अपने पैसे पूरे करेंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने इनकी बातों में नहीं आना। वो कंटेनर पे खड़े होकर जो बातें करता था वो इन बच्चों को इन बुजुर्गों को भूली नहीं आती। तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं करोड़ों नौकरियां पाकिस्तान में लोग दूंगा, ये बच्चे जॉब करेंगे, अमरीका से लोग आएंगे, बाहर के मुल्कों से। मुझे तो कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आया जिसको बाहर से वो आया और उसको जॉब मिली हो, बल्कि ये जरूर देखा है कि मेरी पाकिस्तानी आवाम के बच्चे जो है ना वो जॉबों से महरूम हो गए, जो ऑलरेडी जॉबें चल रही थी उनकी, तो फिर कारोबार बंद हो गए, महकमे तबाह हो गए। इन्होंने महकमों से बंदे निकालने शुरू कर दिए, फिर इन्होंने कहा हम घर बना के देंगे, वो भी कुछ नहीं किया। तो लिहाजा इनके पास क्या कारकर्दगी है, किस मुंह के पास, मुंह के साथ आपके पास आ रहे हैं वोट देने के लिए? इनका तो सलके से कोई तल्लक वास्ता भी नहीं है लोगों को, तो इनको भी नहीं पता कि ये कहां से अलग से। उनके पास ये है कि मेरे पास पैसे बड़े हैं, तो यार पैसे उसके हैं, हमें इस चीज से क्या करना है? पैसों से हमारा जमीन दे देगा? हम गैरतमंद कौन है? हम अपना दुरुस्त के हलाल कमा के खाते हैं, खा हम जमींदार करते हैं या कारोबार करते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हमें इनके पैसे से क्या करना है? अगर उनको पैसा दे भी देगा तो उससे कितने दिन गुजरेंगे? 2 दिन गुजर जाएंगे, 10 दिन गुजर जाएगा, महीना गुजर जाएगा, फिर क्या होगा? आपका यकीन अल्लाह पे होना चाहिए और इसके हवाले पे होना चाहिए, तो वो ही है। और फैसला ये जो पर्ची आपने वो डालना है, ये अल्लाह ताला ने और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने आपको एक आईनी हक दिया है, आपने इसके मुताबिक फैसला करना है कि क्या अमानतों में खयानत करनी चाहिए। ये आपके पास अमानत है पर्ची, अमानत उसी को देनी चाहिए जो इसका हकदार हो। तो लिहाजा ये आप लोग जरूर सोचिएगा कि इसका हकदार कौन है। हम लोग आपसे कोई नए नहीं आए, हम 30-40 साल से आपकी खिदमत कर रहे हैं और आप लोगों ने हमें अपनी ताकत से, वोटों की पर्ची की ताकत से आप लोगों ने हमें इस तरह से नवाजा है, तो हम आपका कैसे ना शुक्रिया हूँ। हम तो अल्लाह के बाद अगर शुक्र गुजार हैं तो वो आप लोगों के, इन बापों के, इन चाचियों के, इन भाइयों के, जो माओ के, बहनों के, बेटियों के, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं। हमें तो ये फिक्र रहता है कि हर वक्त कि यार कोई बंदा तो इस गल का मेहनत ना मारे तो कहना बंदा पिछे लगी हो, तो मैंने यकीन है अल्लाह का फजल करना कभी तक मैं मेरा नहीं किसी ने मारा होगा। वोट देना या ना देना एक अलग बात है, लेकिन कम से कम ये बंदा नहीं कह सकता कि मैं वोट भी नहीं जीता तो मैं गया तो मेरी उससे फिस्ती हुई है। असलियत तो ज्यादा इज्जत कर रही है, तो कोई गल नहीं यार, वोट नहीं देता वोट दे देगा असं क्या काम छड़ देना, असं यही काम करना है, और वोट दे देगा वोट एक दफा नहीं दिता दे, तो उन्हें भी इज्जत करनी नहीं चाहिए साढ़े ना, 3 साल तो चलते पे ने सानू अपना सिर भी बनाए रहे, असं उन्होंने खिदमत करते पे हैं। तो लिहाजा उदारा इसको जरूर सोचिएगा, फतेह यह जनून दसता पे, मुहब्बत तो भी दसती पी है कि फतेह तो दम कतल बन चुकी है, फतेह शख्स
अपनी धूल लैके इंग्लैंड तो आ गए तो अपना जेल की सलाहों के पिछले चल गया। कोई अज तक नहीं इस तरह कर सकता, तो कोई बाप आप ही पिछा चल जाए लेकिन धियान कोई भी नाल करता जेलों के उन्हें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आवाम ने इन बजुर्गों मायूस नहीं होने दिता कि इन्होंने कोई यहाँ के फुल नठ गया है और अपनी धीनों लग गया है और सारा कुछ उन्हें दें कि तू मैं ला रहा उन्हें कहा मैंने कुछ नहीं चाहिए इस मुल्क ने मैंने इनकी इज्जत दी मैं तीन दफा मनोरंजन बनाता मैंने कुछ नहीं चाहिए मैं इन्होंने वास्ते मैं जेल की सलाह की धीन लड़ा के चला दो साल का भतीजा जेल च रहा उस जेल चलते बार बैठे से उस जेल चुनाव का दिमाग नहीं सी भी उस जेल ची भा जेल च रहा इस तो बाद उन्हें की कुर्बानी इस मुल्क वास्ते देनी और उस मुल्क में एटम बम देकर सुपर पावर बनाता कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है जो कोई एटॉमिक बम बाहर पाकिस्तानी मुल्क है यह सारिया खूबियां मोटर का जाल है बिजली के असं बैठे हैं मैंने याद है मैं 2013 जो तुम्हारे को आया से अंधेरिया से बंदर काम चलना तो 18-18 घंटे बाद बिजली आनी सी तो 18 तक असं अंदर के फसलों करना बिजली पूरी कर दी सी इस मुल्क के बाद जो निकमे उन्होंने पूरा ही नहीं कर सके उन्होंने सिस्टम च भी पा सके ताकि लोगों तक पहुँचा सकी है लिहाजा इन्हों कोई काबिलियत नहीं है ना को ना इन्हों को कोई टीम है और इतराफ कर चुका है एक दफा नहीं हजार दफा इतराफ कर चुके हैं तो मेरे को एक कड़ के उतों कड़ के उत्थे ला दिता है उसने जिन्हें उतो भी किया तो उतों कितों करना है इधर है इन्हें करना है तो करना है जितने मर्जी वाले बता दें उन्हें कुछ भी नहीं करना जिद की बच्चा नहीं घर जिद करता मैं खिलौना लेना या मैं फलानी चीज लैनी है तो माँ प्यो दो चार दिन चल सुन देना उसके बाद पैगा भी कहते हैं स्कूल लग चाल छुटा बड़े घर बड़ा हौसला किया है फैसला करेगी और यह दसेगी तू वाकई तू इस काबिल नहीं है जो इस मुल्क के मजीद हुकुमरान बन गया बैठे क्योंकि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम तबियत देख रही है इस हल्के की आवाम की फैसला करेगी चक्की जो भी दसते हो रहे महंगाई बीच लेकिन उन्होंने अख्तियार कुछ नहीं और कल कुछ नहीं सकते लेकिन तुम्हें अल्लाह ने मौका दिता है तो तुम फैसला करके पैगाम दे दो उस अदारे तो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तो असं इन्हें रिजेक्ट करने सामू भी पसंद नहीं है सामू दूसरा मुल्क लीडर चाहिए लिहाजा मैं ज्यादा टाइम नहीं लाया क्योंकि अगर भी प्रोग्राम ने मैं थोड़ा बहुत ही मशहूर और मंगना याद रखने वाली दो गल् ने 25 तरीक 28 तरीक दो इलेक्शन ने इलेक्शन सिर्फ इतने कट्ठे होता नहीं है इलेक्शन संभालन का टाइम है हम तुम्हें सारे फसल मग भी है तो करा तो पहला देना है तो नजर रखनी है अपने जिया के दुकान के डाका मारना आता है तो फसल पक्की अगर अलग आया ना हो तो इलेक्शन वाले दिन अपने इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ा ही मशहूर हाँ थोड़ा तुम अपना कीमती टाइम कटिया तशीफ लिया है मैं सारी टीम का अफजल खान साहब का फरियाद खान साहब का अपना शकील साहब का कलीम साहब का सारे इफ्तिखार भाई का भी जिन्हें भी सब का दिल की उठा गहराइया तो मशहूर उन्होंने बनाना कि तुम सारे ने रौनक दुबाला की और मैंने इज्जत बख्शी उम्मीद करना कि तुम बहुत बड़े अक्सरियत न इस प्रोग्राम तो सब कामयाब कराओगे और इंशाअल्लाह फिर थोड़ा शुक्रिया अदा करने मैं आवाँगा पाकिस्तान जिंदाबाद।